कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा मजा दिल तोड़ के। इसी भारद्वाज अगर बात करें, बहुत बड़ा नाम है, कैसे सफर शुरू हुआ और कहां से शुरुआत हुई? फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अरा है वो बाहर है। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बाहर है। ये सफर बेसिकली एक छोटे से गांव डंसा से शुरू हुआ था, जहां पर मम्मी बहुत बढ़िया गाते थे, कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा मजा दिल तोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा मजा दिल तोड़ के। एसी भारद्वाज की अगर बात करें तो एक न्यूज एंकर रह चुके हैं, इसी के साथ बात करें एंकर रह चुके हैं बहुत सी और फील्डों में, तो ये इतने सारे गुण एक साथ कैसे? पहाड़ा रे महानू होंदे बड़े भोड़े, पहाड़ा रे महानू होंदे बड़े भोड़े, पहाड़ा रे महानू होंदे बड़े भोड़े, पहाड़ा रे महानू होंदे। करने के लिए मुझे लगता है हर आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन आप परफेक्ट किस चीज पे है, कौन सी चीज आपके लिए बनी है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किशन ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के लिए हिमाचल प्रदेश को विश्व विख्यात माना जाता है। इसी के साथ संस्कृति और कला की बात करें तो यहां पर एक से बढ़कर एक कोहिनूर है, तो वैसे ही एक कोहिनूर से आज आपको मिलाएंगे, जानेंगे उनके छुए अनछुए पहलुओं के बारे में, और हिमाचल प्रदेश की शान एसी भारद्वाज आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं एसी भारद्वाज से। एसी भारद्वाज अगर बात करें, बहुत बड़ा नाम है, हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलकर जिन्होंने एक छोटे से गांव से सफर शुरू किया और आज हिमाचल प्रदेश के हर कोने कोने में आपके कार्यक्रम होते हैं, इसी के साथ अन्य राज्यों की बात करें और इंटरनेशनल लेवल पर भी आप परफॉर्म करते हैं, कैसे सफर शुरू हुआ और कहां से शुरुआत हुई? और अच्छा लगा कृष्णा भाई आपको देखते हुए कि एक नया जो सफर है वो शुरू हुआ है यहां से। और अपने सफर की अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग इतना प्यार करते हैं सीरियसली, कई बार मतलब ये देखते हुए खुद को इतना ज्यादा प्राउड फील होता है कि नहीं, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जिनकी वजह से लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और आपको इतना प्यार करते हैं। तो ये सफर बेसिकली एक छोटे से गांव डंसा से शुरू हुआ था, जहां पर मम्मी बहुत बढ़िया गाते थे, और उसके बाद उनको देख देख के सुनना, उसके बाद उनके साथ थोड़ा सा म्यूजिक में संगत कर लेना, ढोलक बजा दी, और धीरे धीरे वो जो गाने गाते थे, वो जो भजन गाते थे, वो सारी जो चीजें वो आत्मसात करके किसी प्रोग्राम में या किसी भजन संध्या में उनकी गैर मौजूदगी में खुद परफॉर्म करना, और उसके बाद पता नहीं था कि कभी प्रोफेशनली इस फील्ड में आना होगा और मतलब इतना सारा प्यार आप सब लोगों का मिलेगा, और वहीं से शुरुआत हुई है और घर से कहेंगे, और आज आप सब लोगों की वजह से, आपके प्यार की वजह से देश और दुनिया में लोग सुन रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बस इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। एसी भारद्वाज की अगर बात करें तो एक न्यूज एंकर रह चुके हैं, इसी के साथ बात करें एंकर रह चुके हैं बहुत सी और फील्डों में, तो ये इतने सारे गुण एक साथ कैसे? मुझे लगता है आदमी ना कई बार लाइफ में डिसीजन लेने में थोड़ा सा लेट हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं मन संचालन करता था तो मुझे लगा कि नहीं ये अच्छा है, इसमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, तो मैंने मन संचालन करना शुरू किया, और उसके बाद मन संचालन के साथ साथ मैं गाने वाने गाया करता था साथ में, तो लोगों का उसमें भी रिस्पांस मिलता था। मुझे लगा कि अगर कभी मौका मिला कि मैं अपनी एल्बम करूँ या अपना गाना एक रिकॉर्ड करूँ तो ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा, और ऐसा ही मैंने किया, एल्बम किया, एल्बम को बहुत सारा प्यार मिला। तो मैंने मतलब मीडिया की फील्ड में भी बहुत सारा काम किया है, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और साथ ही साथ मन संचारण के तौर पर 6 से 7 साल लगातार काम किया है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो मेले हैं उस वहाँ से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स तक, लेकिन मुझे लगता है कि सारे काम अपनी जगह पे बेस्ट है, जरूरत होती है एक सही दिशा की, सही मौके की, कि कौन सा काम आपके लिए बेहतर है बेसिकली। अब करने के लिए मुझे लगता है हर आदमी बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन आप परफेक्ट किस चीज पे है, कौन सी चीज आपके लिए बनी है, वो आप काफी देर बाद जब रियलाइज करते हो। ये वो टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मॉडर्न फोक नोट को लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मेरे गानों को लोग सुनना चाहते हैं, तो उसके बाद शुरू किया और अब गाते जा रहे हैं,
लोग जो चाह रहे हैं वो हम गुनगुना रहे हैं और बस आपके सामने सारी चीजें। संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ, खासकर अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, पहला कौन सा गाना था जिसने आपको लाइमलाइट में लाया? अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कॉलेज जब मैं ज्वाइन किया था तो 2010-11 की ये बात है, तो उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मेरे जो सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो गया था, क्योंकि स्कूल टाइम में आप थोड़े से जो सब्जेक्ट्स है वो अलग लेवल पे चूज करते हैं और कॉलेज में आके आपकी दिशा थोड़ी सी बदल गई। हमारे स्कूल में म्यूजिक सब्जेक्ट था नहीं, तो कॉलेज में आके थोड़ी सी जिज्ञासा रही कि नहीं म्यूजिक सब्जेक्ट के रूप में अगर रखा जाए तो एक अलग चीज हो सकती है, ट्राई करते हैं, क्योंकि गाने का शौक तो था ही। तो उसके बाद शुरू किया और पास आईजा के नाम से पहली एल्बम आई, काटी लेनी कुकड़ी, उसमें जो गाना था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, हालांकि फोक नोट जब सीरीज आई उसमें, तो वो एल्बम उसको काफी हद तक जो लोकल एरियाज में बहुत ज्यादा प्यार मिला और लोगों ने काफी सुना उस एल्बम को। प्रोफेशनली वहीं से शुरुआत हो गई थी बेसिकली, कि जब मुझे लगा कि नहीं मैं गा सकता हूँ, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं और गाने बनाइए अब, तो वहां से मुझे लगता है काटे लेने कुकड़ी जो है वो सबसे पहला गाना है। और उसके बाद तो बहुत सारे गाने, गीता बाली ढोल की, मांझा गांव और रतन दासा, देश शोभला, हिमाचल मारा, जो कि गिनीज बुक के लिए मुझे गाने का मौका मिला था और वो एक इवेंट के लिए जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में, और धीरे 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 कांची मैंने कवर्स करना शुरू किए और आज आपके सामने मॉडर्न फोक नोट की 7 सीरीज आ गई है, बहुत सारे और भी गाने आ चुके हैं और धीरे धीरे जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है वो भी आपके बीच आने वाले हैं बहुत जल्दी। मॉडर्न फोक नोट की बात करें तो एक तरीके की क्रांति हिमाचल प्रदेश में आई, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि हिमाचल प्रदेश के वो गाने किस तरह से जो है रिप्रेजेंट किया जा सके, तो आपने उसमें कोशिश की और मॉडर्न फोक जो था जो आपने फर्स्ट लॉन्च किया बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त रिस्पांस आया और शानदार तरीके से हर किसी के, आप गाड़ी में ले लीजिए वो गाना बज रहा है, मोबाइल में वो गाना बज रहा है, शादियों में वो गाना बज रहा है, तो ये सोच कैसे आई मन में कि ये चीज भी हो सकती है? मुझे लगा कि एक्चुअली जमाना बहुत तेज हो गया है, लाइफ में हम सब लोग ना बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहते हैं। आप कोई बिजनेस ले लीजिए, आपने कोई दुकान खोली है, आप शूज ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, आपको लगेगा कि पहले दिन में मेरी 10,000 की सेल हो जाए, अगले दिन में 20,000 और महीने के अंदर अंदर पूरी दुनिया में मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। इतना फास्ट जमाना हो गया सोच के नजरिए से, और इससे मुझे लगता है एक चौथाई हिस्सा मान लीजिए जो सच में हो भी गया है, कि हमें लगता है कि हम जल्दी जो प्रोडक्टिव चीजें हैं, आप हमारे यहाँ हिमाचल जो है फसलों के लिए बहुत पॉपुलर है, सेब के लिए खासतौर पर, तो सेब किसी जमाने में बहुत ज्यादा लेट हम एक्सपेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा मेहनत उसमें नहीं की जाती थी, आज हम बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 साल 8 या 10 साल का जब सेब होता था, पौधा होता था, उसके बाद फसल देता था, लेकिन आज हम 2 साल बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें 4 सेब लग जाएं, 10 सेब लग जाएं, छोटे छोटे पौधों का निर्माण किया जा रहा है, 8-8, 10-10 सेब करके उसमें फसलें तैयार की जा रही है। तो जल्दी में जो चीजें हैं वो, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास, इसलिए मुझे एक आइडिया आया कि ये दौड़ भाग भरी जो जिंदगी है इसको थोड़ा सा अगर हम अपने तरीके से गानों में इसको मर्ज कर दें तो कैसा रहेगा। तो मैंने एक, हम कहते हैं ना कि छोटे हाइलाइट्स जो है, मेरे जो फेवरेट नंबर्स हैं जो गानों के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, या फिर पहाड़ी गाने जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, उनको मैंने समावेशित किया एक मैशअप के जरिए, एक गाना हिंदी, एक पहाड़ी, एक पंजाबी, एक किन्नौरी, अलग अलग जगह का, तो लोगों को शायद ये क्लिक करे, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा मैं हिंदी सुनूं, थोड़ा पहाड़ी सुनूं, वही फास्ट फॉरवर्ड करके सारी चीजें, तो वो कारगर साबित हुआ ये आइडिया और आज आपके सामने 7 सीरीज आ चुकी है। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं और इसी तरह से आती रहेंगी अगर आप लोग चाहेंगे तो। बिल्कुल, एसी भारद्वाज की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स में आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं एज अ फेमस सिंगर, लेकिन उसी के साथ बात करें मॉडर्न फोक नोट की, तो आपने एक कोशिश की और वो कोशिश कहीं ना कहीं सार्थक दिखी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अपनी एक संस्कृति है, अपना रीति रिवाज है, तो उनके साथ साथ आपने वेस्टर्न कल्चर को भी हिमाचल में समावेश कर दिया और बेहतरीन, जिसमें सैक्सोफोन ले लीजिए, गिटार बज रहा है, उसी के साथ गुंजन जो वायलिन उसमें प्ले कर रहे हैं, वो आइडिया भी कैसे? मुझे ऐसा लगा कि हम लोग जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मैं अपने इंटरव्यूज में अक्सर कहता हूँ, और यहाँ मेरी टीम में आप देख सकते हैं प्रिया गौतम जी हमारे साथ है, अजय भाई मेरे साथ है, तो ये वो टीम है बेसिकली जो बैकअप में ना हर चीज में हमें सपोर्ट करती रहती है, कि हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए, तो कई बार हम लोग बैठे रहते हैं तो प्रिया का उसमें रहता है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें ड्रम्स ऐड किए जाएं, मैंने कहा नगाड़े के बीच में ड्रम ऐड करना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से प्रिया आज की जनरेशन को बहुत अच्छे से समझती है, और वैसे ही अजय भाई से मैं डिस्कस करता हूँ कि अजय भाई
क्या किया जाए, तो अजय भाई कह देते हैं कि नहीं ऐसी भाई कुछ इस तरह किया जाए। तो मतलब एक टीम का जो एक योगदान है वो बहुत बड़ा इसमें रहता है। हम लोग क्या है आपस में मिलकर डिस्कस कर लेते हैं इस बार क्या होना चाहिए, तो सबका ये मत रहता है कि हम लोग बेसिकली अलग अलग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग जनरेशन को बिलोंग करने की वजह से जो हमारी मेंटालिटी है वो उसके हिसाब से बदलती रहती है। और खासतौर पर हम लोग उस मेंटालिटी के है जहाँ पे हम लोग अपने फोक को भी जानते हैं और हमें ये भी पता है कि आज की जनरेशन क्या चाहती है। हम बीच में है, हम थोड़ा सा फोक भी चाहिए और हमें आज की जनरेशन के हिसाब से म्यूजिक भी चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगा कि क्यों ना ये चीजें एक बार डिस्कस करके निकाली जाए कि क्या होगा। तो ऐसे में हमने डिसाइड किया और वो चीज निकल के आई कि नहीं, पुरानी संस्कृति जो हमारी है वो बेहतर है, इसलिए वहां से गाना लिया जाए, कॉम्पोजिशन ली जाए और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स वहां के लिए जा सकते हैं। और उसके अलावा आज की जनरेशन में ड्रम्स, गिटार, सैक्सोफोन, वायलिन और बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज की जनरेशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं अपने म्यूजिक में। तो आज की जनरेशन का म्यूजिक ऐड किया जाए, पुरानी जनरेशन का जो गाना और बोल ऐड किए जाए, तो देखते हैं क्या बनकर तैयार होता है। तो यही मॉडर्न फोक नोट का आइडिया था, इसलिए ये सारी चीजें जो है जो पाश्चात्य संस्कृति लोग जिसे कहते हैं उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा गानों में देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। शायद इसी की वजह से मिलियंस में करोड़ों में लोग प्यार कर रहे हैं और हमारी संस्कृति शायद दूर दूर तक सुनी भी जा रही है, देखी भी जा रही है। तो इसके लिए आप सब लोगों को मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। जी बिल्कुल, और इसी भारद्वाज की बात करें तो मिलियंस फॉलोवर्स तो है ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक गायक जिसने बहुत छोटे से स्तर से शुरुआत की और सोनी टीवी पर कांची रे वो आवाज, वो हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था, उसकी क्या स्टोरी थी? एक्चुअली एक प्यारी सी कहानी है। आपको पता है कि जब भी एक आर्टिस्ट गाना बनाता है तो हम रेंडमली, मैंने जैसे जिक्र किया कि हम लोग ना आपस में टीम में बैठ के ये डिसाइड करते हैं। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ फोक नोट 8 की तैयारियां हम कर रहे हैं, तो फोक नोट 8 की तैयारियां हम लोग अक्सर जब जाते हैं टीम में, अभी हम लोग रास्ते में चलते चलते आपस में कोई गाना गुनगुना लेंगे तो एक रिव्यू प्रिया का आ जाता है कि सर ये गाना ऐड हो सकता है, अजू भाई का आ जाता है, रितु का आ जाता है, कोई भी टीम के और मेंबर्स हमारे टीम के जैसे म्यूजिशियन उनके ये भी ऐड हो सकता है। और लाइव में हम परफॉर्म करते हैं चीजें तो निकल के आती है। तो ऐसे ही ऐसी कांची जो है मॉडर्न फोक नोट 4 में ऑलरेडी मैंने गा रखा था और उसमें सिर्फ 40 सेकंड के लिए हमने वो गाया था। 40 सेकंड के बाद लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि सर ये जो गाना है ये अगर थोड़ा सा पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा, जूठा ये गुस्सा तेरा ये पूरा गाना गाइए। क्योंकि बेसिकली सच ये है कि ये किशोर दा ने ये गाना गा रखा है और उनको कॉम्पिटिट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप उनका नाम भी अगर ले पा रहे हैं तो मतलब वो आदरणीय रहेंगे नाम, उनका कभी कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने फरमाइश की कि ये गाना उन्होंने सुना नहीं है, कई बार कुछ गाने नहीं पहुंच पाते हैं, तो ऐसे में उनको लगा कि ये गाना हमने खुद लिखा है और ये गाना हम लोग अलग से इसको पूरा क्यों नहीं करते। तो मैंने लोगों को अपने कमेंट्स में कहा कि ये गाना मेरा नहीं, सारेगामा म्यूजिक कंपनी का है और किशोर दा ने ये गा रखा है, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे परमिशन मिलती है या कुछ भी तरीके से तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बाद कवर सॉन्ग के तौर पर ये तैयार हुआ लॉकडाउन के समय में और उसके बाद थोड़ा सा री ओपन हुई थी चीजें। तो ये बस एक पहल थी, आप अगर वीडियो भी देखोगे बहुत साधारण सा वीडियो, ऐसा लगेगा सेलफोन से आपने शूट कर दिया हो, एक चेयर पे बैठ के आप गा रहे हैं अकेला एक आदमी, तो हमें ऐसा लगा कि ताकि ऑडियो खाली क्या देना क्योंकि वीडियो तो लोग ज्यादा देखते हैं, तो हमने नॉर्मल दे दिया और मेरी शक्ल उसमें दिख रही है। हाँ, लेकिन हमारे लिए प्राउड का मोमेंट ये था कि मेरा हर गाना उसमें आपको पहाड़ी टोपी दिखेगी, तो ये इसलिए था कि कोई भी लोग देख ले तो बोलेगा कि पहाड़ी आदमी गा रहा है। तो वो गाना हमने गाया और देखती देखती रात को 6 से 7 बजे के आसपास, मुझे याद है कि जब मैंने अपलोड किया था गाना तो सुबह के लिए उसमें 60,000 व्यूज, 2 दिन में 1.5 लाख 2 लाख, और वो गाना हमारे YouTube चैनल का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉन्ग है जो कि शायद 6 या 7 दिनों में 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया था। और हाँ, ओरिजिनल से भी, और आज की डेट में मुझे लगता है ओरिजिनल गाने में 17 या 18 मिलियन व्यूज है और उसमें 27 मिलियन व्यूज, तो मतलब लगभग डबल जो व्यूज है उसमें, लोगों ने इतना प्यार किया। और सोनी टीवी पे उस गाने का बजना मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। एक्चुअली 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस गाने में ऑलरेडी मेरे चैनल पे, और मुझे अचानक एक कॉल आता है सोनी टीवी से कि हेलो इसी भारद्वाज जी बोल रहे हैं, हम सोनी टीवी से बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आपका गाना हम यूज करें। और मैंने बहुत रूडली उनसे बात की, मुझे लगा कि कोई बेवकूफ बना रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि एक हिमाचली कलाकार जो अपने घर में बैठ के गाना गा रहा है हिमाचल में बैठ के
और उसको अचानक खुद ही कॉल आ जाए, क्योंकि वहां की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। मुझे लगा इतनी कैसे ये कॉल कैसे आ गया, तो उन्होंने बाद में जब मैंने कॉल काटा तो मैंने सर्च कर दिया गूगल करके, तो मुझे लगा हाँ वो मैम जिनका कॉल आया था तो वो वाकई वहां पे उनका एक नाम था मैनेजिंग में कुछ जो प्रोडक्शन टीम में फ्रेम्स प्रोडक्शन में, तो ऐसे मुझे लगा नहीं ये तो सही है, मैं फिर मैं वेट कर रहा हूँ कब दूसरा कॉल आएगा। और कॉल आया, उसके बाद दो तीन लोगों ने मुझसे बात की, मुझसे एग्रीमेंट साइन हुआ, मेरा एनओसी मांगा गया, और इतने बड़े प्राउड का मोमेंट जब मैंने एनओसी साइन किया और मैं परमिशन दे रहा हूँ कि आप मेरे द्वारा गाना आप यूज कर सकते हो। हालांकि किशोर दा ने गाया था लेकिन सारेगामा के जो राइट्स थे वो उनके पास थे, लेकिन सारेगामा ने कहा कि आप ओरिजिनल जो सिंगर है उसके राइट्स हमसे ले सकते हैं, लेकिन ये कवर किया गया तो इसके राइट्स आपको उन्हीं से मिलेंगे। तो सोचिए एक हिमाचल का कलाकार सारेगामा में भी चर्चित हो गया है, सोनी टीवी में भी चर्चित हो गया, और उसके बाद गाना जब वहां पे प्ले हुआ तो मैं लिटरली फोन चला रहा था और टीवी पे वो गाना एकदम से जो टोन बजती है ना वो जब प्ले हुई तो एकदम से बाल मेरे मैं यहाँ से खड़े हो गए कि नहीं वाह यार मुझे तो अपना सा लग रहा है कुछ सुना हुआ। सोनी टीवी पे आपका गाना प्ले हो रहा है और सबसे ज्यादा तारीफ ये हो रही है कि वाह व्हाट अ लवली सॉन्ग, टेरेंस लुइस, गीता कपूर जी और मलाइका अरोड़ा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स वहां पे हैं, डांसर्स हैं, तो अपने आप में प्राउड का मोमेंट है और ये मोमेंट मेरे लिए हमेशा के लिए बहुत बड़ा हो गया है, मैं कभी नहीं भूल सकता। शानदार, और ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट था हिमाचल वासियों के लिए खासकर, और पूरे देश में आपका नाम तो वैसे ही है लेकिन उस परफॉर्मेंस के बाद एक और लाइमलाइट जुड़ी। एसी भारद्वाज की अगर बात करें तो आज समय कुछ ऐसा है कि हर जगह एसी भारद्वाज स्टार नाइट में परफॉर्म करते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, वो कहते हैं ना सर कि पांव के छाले किसी ने नहीं देखे। दरअसल हर एक बड़ी कहानी के पीछे छोटी 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 कहानियां होती है, और मुझे लगता है कि ये शुरुआत जो होती है वो छोटे से एरिया से अपने गाँव से शुरुआत होती है कि वहां पे गाँव में आप परफॉर्म करें किसी कीर्तन में, उसके बाद आपको बाल सभा में स्कूल में मौका मिले परफॉर्म करने का वहां पे, और उसके बाद आप आके कॉलेज में आके परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, कॉलेज से आपको स्टेज मिलता है किसी इंटर कॉलेज में परफॉर्म करने का, और इंटर कॉलेज में आपको एक और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि नहीं इसमें और स्कोप है और आगे आप बढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रगल है वो आपने बहुत ही अच्छी कहावत कही है कि बाकी पाँव के जो छाले वो हमें पता है, हम जब चलते हैं तो हमें महसूस होते हैं, वो दर्द महसूस होता है, लेकिन वो दर्द हम बता नहीं सकते कि कितना स्ट्रगल करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो जो मेहनत है वो मुझे लगता है वो पब्लिकली वो हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें बस लोगों तक पहुंचना है, अपने आप को प्रूव करना है। तो सालें लग गई प्रूव कर रहे, 12 से 15 साल का समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए पर आए तो सही ऐसा कहा जाता है। तो मतलब काफी समय बाद ये मौका आया जब आप सब लोग अब इतना प्यार कर रहे हैं और बाकी आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है जो मैं गाने गा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने हालांकि कटाक्ष किया था स्टार्टिंग में कि नहीं ये मिक्स क्यों कर दिया, हिंदी पहाड़ी संस्कृति से छेड़खानी हो गई है, तो उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कॉन्ट्रोवर्सीज में आना पहले से मेरा रहा नहीं है मोटिव, और मैं चाहता हूँ मैं दूर रहूं, मैं अपना काम करते रहूं और आप अपना कीजिए, ये वाली मेरी प्रवृत्ति है। तो ऐसे में बस धीरे 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 जो स्ट्रगल है वो करते करते अब जाकर समझ आ रही है चीजें कि करना क्या है, लोग जो चाह रहे हैं आपको वो करना पड़ता है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है और आप लगे रहिए, आपको लोगों से कुछ नहीं है। तो मेहनत बहुत ज्यादा है और इसके लिए आपको भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि बस लगे रहिए, हो सकता है आज वो समय ना आए लेकिन 10 साल बाद आएगा, 5 दिन बाद आ सकता है, 10 दिन बाद आ सकता है, कभी भी मौका जो है आपके लिए बिल्कुल खड़ा है, लेकिन आप अगर हिम्मत हार जाओगे, आप हो सकता है आगे 2 कदम बाद मौका था और यहाँ पे आपने मना कर दी नहीं मुझे चलना ही नहीं है, लेकिन 2 कदम बाद तो सोने की खान थी आगे, आपने छोड़ दी वो किसी और को मिल गई। तो इसलिए आप लगे रहिए, आपका काम है कर्म करना और जो फल है वो ऊपर बैठे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमसे जुड़ने के लिए इसी भाई। तो वो एक लाइन कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घरों से निकले ही नहीं। तो इसी भाई ने जिस तरीके से कहा कि मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आधे रास्ते से वापस मत जाइएगा क्योंकि आधा रास्ता दोबारा पार करना पड़ेगा। बने रहें Q24 लाइव के साथ। नमस्कार।